होंगे इस्लामाबाद, पिंडी, मालम जब्बा, सवात और बहरीन। पहली बार औरंगी से बाहर जा रहा है। इकोनॉमी की ना ये मतलब खास बात है कि हर केबिन के सामने इस तरह से लग जाता है। अल्फाबेट से आते आउट हो गया ना, एलिमिनेट। मुल्तान क्रॉस कर लिया यार, टोबर टैक्सिंग की तरफ जा रहे हैं। हालत देख के लग रहा होगा कितने थक गए। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारा जो ये ब्लॉग शुरू हो रहा है, हम एक जा रहे हैं छोटे से टूर पे। हम जाएंगे इस्लामाबाद, पिंडी, मालम जब्बा, सवात और बहरीन। तो ये छोटा सा ट्रिप है, हम लोग तकरीबन 4 से 5 लड़के हैं। तो मैं भी रेडी हो चुका हूँ और अभी हम जा रहे हैं सबसे पहले स्टेशन, कैंट स्टेशन। वहीं सारे लड़के मिलेंगे, ताबिश भी वहीं मिलेगा। तकरीबन 5 लड़के हम लोग सब वहीं मिलेंगे। तो ये ब्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि हम जो पाकिस्तान की खूबसूरती है ना, वो सारा हम आज कैप्चर करेंगे और दिखाएंगे आपको कि हमारा मुल्क कितना खूबसूरत है। हम दूसरे ममालिक जा रहे होते हैं, लगता है कि यार हमारे मुल्क में कोई खूबसूरती नहीं है। ऐसा नहीं है, हमारे मुल्क में बहुत खूबसूरती है। सवात खूबसूरत ज़िला है, तो हमारा सवात का ये विज़िट है। तो इस ब्लॉग को एंड तक लाजमी देखिएगा और बहुत सारे ब्लॉग्स आपको जो है टूर के इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं अब हम कैंट स्टेशन पर, ताबिश भी हमें वहीं ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान की नेशनल सवारी रिक्शा के अंदर बस कैंट स्टेशन आने ही वाला है। मुझे उम्मीद है सारे लड़के कैंट स्टेशन पहुंच चुके होंगे, क्योंकि बस फाजिल भाई ना ब्लॉग कर रहे हैं, ब्लॉग खतरनाक किस्म का ब्लॉग कर रहे हैं। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। वालेकुम अस्सलाम। और सो के आए हो पूरे हैं? टाइम पर आया हूँ, फुल टाइम पर। और ट्रेन जो है ना माशाल्लाह 2 घंटे लेट है। आगे स्वाद, 12 बजे ट्रेन चल रही है, 2 घंटे लेट है। खुशखबरी मिल चुकी है, यहाँ पे आते ये जो ब्रिज आ रहा है ना, जिसके हाथ में मोबाइल है, ये जा रहा है पहली बार ना, मतलब औरंगी से बाहर जा रहा है। पहली बार औरंगी से बाहर जा रहा है जो पागल। इतनी खुशी मुझे आज तक। और भाई पहुंच गए सारे? हाँ सब पहुंच गए। और आपको पता है हमारा जो रेलवे सिस्टम है माशाल्लाह कितना एक्टिव है, ठीक है। वो हमें फुल टाइम देता है, बोलता है अगर आपकी आग खुल रही 9-10 बजे कोई मसला नहीं है, हम ट्रेन आपके टाइम के हिसाब से चलाएंगे, आप आराम से 12 बजे तक आना। मजाक हो रही है? तो अभी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, 2 घंटे लेट है ट्रेन 12 बजे तक आएगी, फिर उसके बाद सफर स्टार्ट होगा। अभी तो फिलहाल कोई ट्रेन नहीं जी व्यूअर्स, तो ट्रेन लेट है तो क्या करेंगे, वेट करेंगे और क्या करेंगे। क्यों फादर, वेट करेंगे ना, वेट के अलावा कुछ कर सकते हैं? और सामान हमारा इतना सारा है, जैसे हम जा रहे हैं कोई 12-15 दिन के लिए और हम जा रहे हैं सिर्फ 5 दिन के लिए। राशिद की मंगनी का सामान जमा है, जैस का सामान है राशिद के। जी गाइस, 3 घंटे के इंतजार के बाद ट्रेन चल चुकी है। और हमारी हालत आप देख रहे होंगे, हालत जार हो गई है, ठीक है ना, बहुत हालत खराब हो गई है। तो ताबिश भाई भी देखे, दिल हाँ क्या हुआ, किसका इंतजार है, किसका है ये तुमको इंतजार। अब मेरी आवाज़ पे कॉपीराइट थोड़ी आएगा, अल्लाह अल्लाह के नाम। ठीक है, था ये कि इतना इंतजार ना, सीन सारा ये कि इतना इंतजार तो अपनी लाइफ में मैंने किसी का नहीं किया। आज ट्रेन का किया 3 घंटे, 3 घंटे मतलब सबसे दुनिया का सबसे मोस्ट वेला पर्सन था ना, मैं अपने आपको वो महसूस कर रहा हूँ यार, 3 घंटे ट्रेन का इंतजार। बस हवा निकल गई। चलो यार, 3 घंटे के इंतजार के बाद अब जो सफर है ना, वो तकरीबन 24-26 घंटे का, बैठते हैं ट्रेन में।
चलो भाई अब ट्रेन में ना हालत थोड़ी भी खराब है, और अभी एक घंटा गुजरा है, मतलब लग रही है भूख, तो अभी लंच टाइम हो चुका है हमारा, फालतू मैंने खाना वगैरह निकाल लिया है, और काफी भूख लग रही है अभी, वहाँ भूख बहुत तेज लग रही है क्योंकि माशाल्लाह पता ही नहीं चला एक घंटा कैसे गुजर गया, अल्हम्दुलिल्लाह सफर कर रहे हैं ये यार ही लोग अंधेरा यार होगा, अब अल्हम्दुलिल्लाह 23 घंटे 24 घंटे रह गए बस, एक घंटा तो यही गुजर गया, तो अभी खाना खाएंगे, लंच करते हैं, लंच टाइम। लंच तो हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास अभी जो है ये कीमा है, और ये शामी कबाब है, और ये हमारे पास है डबल रोटी स्लाइस। हाँ भाई ताविश, सफर कैसा गुजर रहा है? मजा आ रहा है? सफर बस गुजर रहा है, गुजर जाए जल्दी से, बस जाना जाना यार है, 24 घंटे का सफर लंबा सफर है, तो अब व्यूअर्स जब देख रहे हैं ना, तो उनको आइडिया हो रहा होगा कि यार ये सफर लंबा है, बहुत लंबा सफर है, हम सफर कर रहे हैं इस वक्त, ताकि हम वो सब चीजें समझ सके कि यार क्या क्या मसले होते हैं इकॉनमी में होते हैं, हम कोटरी, हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह, और भी मतलब 3-4 शहर क्रॉस करके आ रहे हैं, और अब जितने ही मसले मसाइल आए ना, इनके ऊपर एक अलग से वीडियो बनानी है कि यार इकोनॉमी के मसले क्या क्या होते हैं, क्योंकि इकोनॉमी ट्रेन के मसले, अभी व्यू दिखाओ यार, व्यू कितना जबरदस्त चल रहा है, ये अभी सनसेट होने वाला है, बहुत ही कोई कमाल का व्यू है अभी तो अभी ये है कि हम लोग क्या कहते हैं, अंदरूनी सिंध क्रॉस करने वाले हैं, अभी सखर आ जाएगा, सखर के बाद फिर हम जो है पंजाब में इंटर हो जाएंगे, तो ये हमारा ट्रेन का ब्लॉक चल रहा है, हम कराची से चले थे और जा रहे हैं रावलपिंडी, 24 घंटे का सफर है, तो ऑलमोस्ट अभी आपको 3 मिनट या 4 मिनट तक और रहना हमारे साथ, इसी ब्लॉग में हमारे साथ रहना है, क्योंकि आगे के शॉर्ट्स, रात के शॉर्ट्स और सुबह के शॉर्ट्स भी आपने देखे, ये सब चलता है इकोनॉमी के अंदर, कोई भी आ जाएगा। जा सकते थे आराम से, लेकिन मसला सारा ये यार, हमने चीजें थोड़ा फील करनी थी, क्या मजा होता है इकोनॉमी के लिए, मजा ले लिया बस, बहुत मजा, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, अब दिल भर गया, मतलब जस्ती जस्ती पहुंच तो पिंडी, आपने यहाँ की चना चाट खाई? नहीं नहीं कुछ भी नहीं खाया, और 20 रुपए के 4 केले 20 रुपए के 4 केले नहीं खाए, सबसे अच्छी चीज है कि मिली इसकी, बस वो भी नहीं खाई मैंने वो भी नहीं खाई। फैसलाबाद क्रॉस कर चुके हैं, मतलब पिंडी की तरफ जा रहे हैं, तो ट्रेन का सफर अच्छा गुजर रहा है, फुल एंजॉयमेंट, फुल सफरिंग, अभी अच्छा गुजर रहा है, थोड़ी नींद भी हो गई है, लेकिन ये बंदा ना ट्रेन में कुछ नहीं बोलता, ये बोलता मेरे को मजा नहीं आ रहा, ये बंदा अभी भी सो रहा है, उसको मजा नहीं आ रहा है, लेकिन मजा आ रहा है, अच्छा सफर गुजर रहा है, तो अभी ये जब पिंडी पहुंचेंगे ना, तो वहां के बाद अच्छा सफर और गुजरेगा, जब सवार की तरफ जा रहे होंगे, मजा आ रहा है आपको ताबिश, ये बताओ, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा, खास तौर से ये बताना चाहता हूँ कि ये ना सफर पिंडी का सफर नहीं, जन्नत का सफर लग रहा था आज तक, लेकिन बाद में क्लियर हो गया कि हम पिंडी जा रहे हैं, जन्नत नहीं जा रहे। चलो सही है भाई, अभी आपसे मिलते हैं, थोड़ा और रास्ते में शूट दिखा देंगे, उसके बाद मिलेंगे पिंडी स्टेशन, अभी हम लोग जा रहे हैं तीसरे गियर में, चौथा तो आपको पता ही नहीं लगता रावल पिंडी के बाद, तीसरे में चौथे में कोई मोबाइल पता है, ये नहीं बोलूंगा तो ब्लॉग वायरल नहीं होगा। बताना थोड़ी है, नहीं बता सकते, जब तो आउट करना है, आउट करना है, चलो अभी रूल समझ आ गया ना, हाँ चलो ई ना आखिरी में ई बहुत आएगा, ये तो है ई बहुत आएगा, आउट कैसे होंगे यार, मजा नहीं आएगा ना, ये बात तो है, चलो चलो अल्फाबेट ऐसे आते आउट हो गया ना, आउट हो गया, एलिमिनेटेड, फायर मार नहीं नहीं उसकी स्क्वायर की तरह, कोई तो अच्छा नहीं, मेरी बारी आ गई ना, क्या बोला था, क्या बोला था,
था तुमने? अल्फाबेट ई से, वो ये ई टी आएगा ना, टी आएगा ना, अल्फाबेट टी आता है आखिरी में, ई थोड़ी आता है। टोमेटो, टोमेटो, अनियन, अनियन, प्याज, 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 एक एक बारे तेरे को मिली थी बेटा, एक बारे अनियन, अनियन, एन आता है। टाइम इतना नहीं होता, टाइम 20 सेकंड का। नेमार, नेमार, तुम क्यों बोल रहे हो नाम बोल रहे हो? नेमार, आप तो फुटबॉल में खेलो, नेमार बोले आर आर आएगा, आना है, ऐसे तो खेला ही नहीं आएगा जी। दोस्तों तो इस वक्त रात के 1 बज रहे हैं और आप ट्रेन का हाल देख रहे हैं। बस ये इकनॉमी की ना ये मतलब ख़ास बात है कि हर केबिन के सामने इस तरह से लग जाता है पर्दा, मतलब सबके अपने अपने रूम्स बन जाते हैं, एक अलग ही किस्म की वाइब्स होती है इकनॉमी की भी। मज़ा आ रहा है, अच्छा वक्त गुजर रहा है और रात के 1 बज रहे हैं लेकिन तकरीबन सब लोग सो चुके हैं। अभी हम 1 घंटा सोए फिर उठ गए, इस तरह से हमारा चल रहा है। प्रॉपर नींद नहीं होती कि ट्रेन के अंदर, लेकिन ये कि सफ़र अच्छा गुजर रहा है। अभी हमने सुबह पहुंचना है, तकरीबन दोपहर में पहुंचना है पिंडी, 12 घंटे का सफ़र अभी बाकी है हमारा। और ट्रेन में ये सारे आपको दिख रहे होंगे इकनॉमी के सामने हर केबिन में पर्दे लगे हुए हैं और ये रात का अंधेरा हो रहा है, फुल अंधेरा, ना बंदा ना बंदे की ज़ात, इतना अंधेरा खूब है जी। भैया कहाँ तक पहुँचे? अभी मुल्तान क्रॉस कर लिया यार, टोबर टैक्सिंग की तरफ जा रहे हैं। हालत देख के लग रहा होगा कितने थक गए, ठीक है, लेकिन अच्छा, थोड़े यूज है। नींद कितनी हुई है बताओ? नींद का हुई है यार, नींद नहीं, 2 घंटे 3 घंटे मतलब 1.5 घंटे हुई है, वो भी बस आग लगी थी खुल रही थी, आग लगी थी खुल रही थी, क्योंकि ट्रेन जैसी फजल भाई सामने आओ सर, झूठ बोला जा रहा है। जो बंदा सो रहा था ना, अगर वो वीडियो मैं दे दूं अपने मोबाइल से, कितने घंटे सोया? 5 से 6 घंटे जिंदगी में पहली बार 5 बजे उठ गए भाई। मैं 3:30 बजे अभी देखो, 4 बजे अभी हो रहा है, 6 बज रहे, 4 बजे 4 बजे उठाया मैंने, 4 बजे इससे 4 बजे उठाया है, इससे 4 बजे उठाया मैंने तो, 4:15 उठाया। ओ सही, बट पे से तो क्या 2 घंटे की क्या होती है यार कराची वालों के लिए, हम 12 घंटे सुलाओ भाई। सफर में मजा आ रहा है नहीं आ रहा है बताओ? अब आ रहा है मजा, क्योंकि व्यू बहुत अच्छे आ रहे हैं, सुकून मिल रहा है, ग्रीनरी है, अच्छा है, पंजाब की ग्रीनरी आ जाती है, बहुत मजा आ रहा है देख के। आपको मजा आ रहा है फाजल? बहुत मजा आ रहा है, गार्डन गार्डन लक्ष्मी सा हो रहा है, बस धूप ना आए तो धूप ना आए, बारिश हो जाए और बारिश हो जाए मजा आ जाए, बारिश हो तो मजा आ जाए, बारिश हो बाकी सब साइड नहीं, 4 घंटा लेट है वॉशरूम में लेटा नहीं है। इस पे तो मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, जो हमारा मसाइल सिस्टम है ना, मसाइल बहुत है, मसाइल पर मतलब ये अलग से बना रहा हूँ, जिसका दिल कर रहा है चला है, जिसका दिल कर रहा है चल रहा है, वो चाय ले लो चाय ले लो, मतलब अबे वो चाचा आ रहे हैं, अबे भिखारियों को भिखारी तक आ रहे रेल में यार, सड़क थोड़ी है, भिखारी तक आ रहे हैं। हाँ इस पे तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उस दिन मैं बताऊंगा क्या क्या सीन हुआ है हमारे ट्रेन में। आप व्यूज़ चेक कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हमारा पाकिस्तान है। अभी बस ये कि कुछ देर में हम घंटा भर में जो है ना पिंडी पहुंच जाएंगे, तो ये हमारा जो पूरा ब्लॉग था जिसमें हमने आपको कराची से लेकर रावलपिंडी तक के जो रास्ते के मनाजिर थे, ट्रेन में कैसा वक्त हमारा गुजरा, और अभी जो ये व्यूज़ हमारे साथ चल रहे हैं इस वक्त हम रहमान पापा एक्सप्रेस में हैं और ये बस 1 घंटे की हमारे समझो के सफ़र बाकी है, हम फिर पिंडी पहुँच जाएंगे। बहुत अच्छा व्यू है, बहुत बहुत मज़ा आ रहा है इस वक्त इस व्यू को एंजॉय, हालांकि हम इस वक्त थक चुके हैं, 24 घंटे का सफ़र हम ऑलमोस्ट कर चुके हैं, लेकिन ये व्यूज़ देख के जो सुकून मिल रहा है, जो मज़ा आ रहा है, तो होपफुली आप भी इन व्यूज़ को देख के इंजॉय कर रहे होंगे, आपको ये व्यूज़ अच्छे लग रहे होंगे। हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि ज़रूर आप पूरे पाकिस्तान घूमें, रावलपिंडी बहुत खूबसूरत है, इसके आगे के इलाके सवात वगैरह भी बहुत खूबसूरत है। तो अभी ये है कि थोड़ी देर बाद हम पिंडी में पहुँच जाएँगे और इन व्यूज़ के साथ इंजॉय करते हुए हम जा रहे हैं। जी दोस्तों, तो पिंडी पहुंच चुके हैं और ये पूरा जो हमारा सफ़र था कराची से लेके रावलपिंडी का ट्रेन से, वो ये लाला मुझे के बहुत अच्छा हुआ है, वो तो बहुत अवस्था आपको मज़ा आया होगा, बड़ा बेहतरीन। तो ये सफर खत्म हो चुका, उस सफर के दौरान हमने किया है ट्रैक, बड़ा बेहतरीन वाला, उसकी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वो समझ जाता अगर वीडियो बनाते तो, बड़ा बेहतरीन वाला ट्रैक किया है, बंदे की शक्ल जो हवाई उड़ी हुई उसकी अभी भी चेहरे की ना राशि। बस अब ये कि यहाँ से आगे जाएंगे सवाल और उसके आप देखेंगे वीडियोज़ अगले ब्लॉग में, तो मिलते हैं उस ब्लॉग में, जब तक अपना ख्याल।